अम्मी वो दरअसल इनके जो शोहर हैं वो कराची में ही रहते हैं और ये पहली दफ़ा यहाँ पर आई हैं, तो मैंने इन्हें कहा कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। जब हम उधर गए तो पता नहीं वो एड्रेस फेक था और इनके शोहर के सारे नंबर्स भी बंद थे, तो अब इस तरह भी यारो मददगार इस शहर में अकेली और पहली दफ़ा आई थी और रात भी थी, मैं छोड़ के नहीं आ सकता था, इसलिए मैं घर साथ ले आया। बेटा, जब तक चाहे इस घर में रह सकती है, जब तक आपके शौहर नहीं मिल जाते ना, इस घर को अपना घर समझ के ही रही। और आपकी तो ऐसी हालत भी नहीं है ना कि कहीं आपको अकेले छोड़ दिया जाए, इसलिए आप यहाँ आराम से रहो। बिल्कुल बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सिर्फ घर के लोग हैं और अल्लाह ताला ने अगर आपको आज के दिन हमारे घर मेहमान बना के भेजा है ना, तो ये हमारे लिए खुशनुदी ही होगी। और मेरी शादी के गाने भी गाओ। गाने वाले बाद में गाना, आपके चचा जान के रूम के बराबर में जो रूम है ना, वहां ले जाए ने। इनको अभी आराम की जरूरत है। चाहिए बेटा जी आए। से आपको मेहंदी के गाने तो गाने आते होंगे ना, या शादी के थोड़े बहुत? ठीक किया ना मैंने? बहुत